सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा कि जब अंडरग्राउंड माइंस ओपन किया जाता है तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली नेचुरली तरीके से सफिशियंट अमाउंट ऑफ फ्रेश एयर नहीं रहता है, तो ऐसे में माइंस में काम करने वाले वर्कर्स के लिए फ्रेश एयर भेजना ज़रूरी होता है। सो माइंस में माइनर्स के लिए फ्रेश एयर प्रोवाइड करने और माइंस के अंडरग्राउंड पार्ट में पाए जाने वाले इम्प्योर और नॉक्सियस गैसेस को रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है वो वेंटिलेशन कहलाती है। यदि सरल शब्दों में बात करें तो माइंस में इम्प्योर एयर और नॉक्सियस गैसेस को रिमूव करने और माइनर्स को फ्रेश एयर प्रोवाइड करने की जो पूरी प्रोसेस होती है वो वेंटिलेशन कहलाती है। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं माइनिंग गुरुकुल और हमारे आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेंटिलेशन और वेंटिलेशन के कुछ टाइप्स के बारे में। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको माइनिंग इंजीनियरिंग, माइनिंग कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम और गैस टेस्टिंग जैसे एग्ज़ाम्स के लिए वीडियोस मिलता रहे। तो चलिए आज के हमारे इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल वेंटिलेशन और मैकेनिकल वेंटिलेशन की। सो ऐसा वेंटिलेशन सिस्टम जहाँ पे माइंस में बिना किसी मैकेनिकल डिवाइस के एयर में टेम्परेचर और प्रेशर डिफरेंस क्रिएट किया जाता है और बिना किसी फैन के वेंटिलेशन कराया जाता है, तो इस प्रकार के वेंटिलेशन सिस्टम को यहाँ पे नेचुरल वेंटिलेशन सिस्टम कहा जाता है। नेचुरल वेंटिलेशन सीजन टू सीजन वेरी करती है, जैसे कि समर और विंटर, इन सीजन के अकॉर्डिंग यहाँ पे डायरेक्शन भी अलग अलग होगा। साथ ही साथ नेचुरल वेंटिलेशन सिस्टम में एयर का जो प्रेशर होता है उसे NVP नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर कहा जाता है। नेचुरल वेंटिलेशन कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और इन फैक्टर्स में टेम्परेचर, मॉइस्चर कंटेंट इन माइन एयर, बैरोमेट्रिक प्रेशर, एडिशन ऑफ गैसेस, लीकेज ऑफ एयर, सर्कुलेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन एयर, वेटिंग मतलब कि गीलापन, जिस भी हिसाब से एयर इनटेक हो रहा है वो कितना ज़्यादा वहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट है। इसके बाद है सीज़न, ठीक है। और साथ ही साथ जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया आपको कि नेचुरल वेंटिलेशन का जो डायरेक्शन होता है वो सीज़न टू सीज़न वेरी करता है। जैसे कि बात करें यदि समर सीज़न की, तो समर सीज़न में यहाँ पे नेचुरल वेंटिलेशन का जो डायरेक्शन होता है वो डाउनकास्ट हिसाब से एयर इंटर करता है और पूरे माइंस को वेंटिलेट करते हुए अपकास्ट हिसाब से बाहर निकल जाता है। मतलब कि कहने का तात्पर्य ये है कि समर सीजन में जो वेंटिलेशन एयर का डायरेक्शन होता है वो डाउनकास्ट हिसाब से अपकास्ट हिसाब की तरफ रहता है। वहीं अगर बात करें हम विंटर सीजन की, तो विंटर सीजन में जस्ट समर सीजन के अपोजिट होता है। मतलब कि यहाँ पे जो एयर का डायरेक्शन होता है, एयर फ्लो का डायरेक्शन, वो अपकास्ट हिसाब से डाउनकास्ट हिसाब की तरफ रहता है। मतलब कि एयर यहाँ पे जो है अपकास्ट हिसाब से इंटर करता है और पूरे माइंस को वेंटिलेट करते हुए डाउनकास्ट हिसाब से बाहर निकल जाते हैं। तो ये है नेचुरल वेंटिलेशन की पूरी प्रोसेस। और नेचुरल वेंटिलेशन जो है वो छोटे माइंस और कम गहरे माइंस के लिए यूज़ किया जाता है। सो नेचुरल वेंटिलेशन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जाती है, तो इसके लिए अधिकतर माइंस में जो है यहाँ पे मैकेनिकल वेंटिलेशन ही किया जाता है। आगे बात करते हैं मैकेनिकल वेंटिलेशन की। तो ऐसा वेंटिलेशन सिस्टम जहाँ पे माइंस में प्रॉपर एयर सप्लाई करने के लिए बड़े बड़े लार्ज साइज के फैंस का यूज़ किया जाता है, तो इस प्रकार के जो भी वेंटिलेशन होता है उसको मैकेनिकल वेंटिलेशन कहा जाता है। मैकेनिकल वेंटिलेशन में जनरली दो टाइप के फ़ैन का यूज़ किया जाता है, जिसमें पहला होता है एक्सियल फ्लो फैन और दूसरा होता है सेंट्रीफ्यूगल फ़ैन। इन दोनों ही फैंस को यहाँ पे फोर्सिंग फ़ैन और एग्जॉस्ट फैन के रूप में यूज़ किया जा सकता है। सो यहाँ पे जो भी फोर्सिंग फ़ैन होता है उसको इनटेक शाफ्ट पे मतलब कि डाउनकास्ट शाफ्ट पे सरफेस पर इंस्टॉल किया जाता है। साथ ही साथ जो एग्जॉस्ट फ़ैन होता है उसको जस्ट अपोजिट वाले शाफ्ट में, जो कि अपकास्ट शाफ्ट होता है या फिर रिटर्न शाफ्ट होता है, उसमें इंस्टॉल किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे मैकेनिकल वेंटिलेशन सिस्टम में कई प्रकार के वेंटिलेशन डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है, जैसे कि रेगुलेटर, स्टोपिंग, वेंटिलेशन डूर, एयर लॉक एट्सेट्रा, जो कि वेंटिलेशन करंट और वेंटिलेशन एयर को कंट्रोल करता है और यह इंश्योर करता है कि माइंस के सभी पार्ट में वहाँ पे प्रॉपर एयर की सप्लाई होता रहे। सो जनरली माइंस में मैकेनिकल वेंटिलेशन ही किया जाता है। रेगुलेशन में कई सारे प्रोविजंस बने हुए हैं वेंटिलेशन के लिए, तो आप उन सबको देख सकते हैं। गाइस, यहाँ पे आपको बैकग्राउंड में सरसराहट की आवाज़ आ रही होगी। इसका रीज़न ये है कि मैं अभी जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उस टाइम यहाँ पे बारिश हो रहा है, तो प्लीज़ आप उसे निगलेक्ट कर दीजिएगा। ओके, चलिए आगे बात करते हैं असेसनल वेंटिलेशन और डिसेसनल वेंटिलेशन की। तो असेसनल वेंटिलेशन की बात करें, सो असेसनल वेंटिलेशन मीन्स आरोही वेंटिलेशन
ऐसा वेंटिलेशन सिस्टम जिसमें अंदर जाने वाले इनटेक एयर को सबसे पहले डीप मोस्ट पार्ट में भेजा जाता है और फिर वह पूरे माइंस को वेंटिलेट करते हुए माइंस के राइट साइड से होते हुए रिटर्न एयर वे में प्रवेश करता है। तो इस प्रकार की जो भी वेंटिलेशन होती है उसको असेशनल वेंटिलेशन या आरोही वेंटिलेशन कहा जाता है। आप डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पे एक डीसी शाफ्ट है, मतलब कि डाउनकास्ट शाफ्ट, और एक यूसी शाफ्ट अपकास्ट शाफ्ट है। यहाँ पे एयर जो है वो डाउनकास्ट शाफ्ट डीसी शाफ्ट से इंटर करता है और ये इस रोडवे से होते हुए माइंस के सबसे डीपेस्ट पॉइंट पे चला जाता है और फिर यह एयर फेस को वेंटिलेट करते हुए रिटर्न एयरवे से यूसी शाफ्ट से बाहर निकल जाता है। डिसेशनल वेंटिलेशन मीन्स अवरोही वेंटिलेशन की बात करें तो ऐसा वेंटिलेशन सिस्टम जिसमें अंदर जाने वाली जो भी इनटेक एयर है उसको सबसे पहले माइंस के टॉप मोस्ट पार्ट मतलब राइज पार्ट में भेजा जाता है और फिर वह फेस को वेंटिलेट करते हुए रिटर्न एयरवे से यूसी शाफ्ट के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार के जो भी वेंटिलेशन होता है उसको डिसेशनल वेंटिलेशन कहा जाता है। तो इस केस में भी यहाँ पे एयर जो होता है वो डीसी शाफ्ट से इंटर करता है और सबसे पहले हम लोग इसको क्या करते हैं कि जो राइज पोर्शन होता है वहाँ से इसको इंटेक कराते हैं, मतलब अंदर भेजते हैं, और यह जो है फिर फेस को वेंटिलेट करते हुए और बाकी अदर पार्ट को वेंटिलेट करते हुए यहाँ पे रिटर्न एयरवे में जाकर मिल जाते हैं और वहाँ से फिर होते हुए ये फिर से अपकास्ट शाफ्ट से बाहर निकल जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है। सो इस प्रकार के वेंटिलेशन को यहाँ पे डिसेशनल वेंटिलेशन या फिर अवरोही वेंटिलेशन कहा जाता है। यहाँ पे असेशनल वेंटिलेशन और डिसेशनल वेंटिलेशन में कंपैरिजन की बात करें तो यहाँ पे मोस्टली असेशनल वेंटिलेशन यहाँ पे ज़्यादा सूटेबल होता है। इसका रीज़न ये है कि यदि हम माइंस में इंटर करने वाली जो भी एयर है उसको सबसे पहले डीप साइड में ले जाते हैं तो माइंस के वेरियस सोर्स से निकलने वाली जो भी हीट है वो एयर को वार्म कर देती है जिसके कारण वो लाइट हो जाता है, मतलब हल्का हो जाता है, और वहाँ पे इजीली राइट साइड में उसका फ्लो होने लग जाता है ऑटोमेटिकली। इसके साथ साथ यदि हम यहाँ पे असेशनल वेंटिलेशन को प्रेफर करते हैं तो यहाँ पे नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर जो होता है वो मैकेनिकल वेंटिलेशन में बहुत ज़्यादा सहायक होती है जिससे जो है एयर वार्म हो जाता है और ईजिली राइट साइड में फ्लो होने लग जाता है। इसके साथ साथ इसका एक और एडवांटेज ये है कि यहाँ पे यदि किसी कारण से बीच में कुछ टाइम के लिए यहाँ पे फ़ैन को ऑफ़ कर दिया जाए तो यहाँ पे फिर भी वेंटिलेशन प्रॉपरली रेगुलर होता रहता है। आगे बात करते हैं यहाँ पे होमोट्रोपल वेंटिलेशन और एंटीट्रोपल वेंटिलेशन की। होमोट्रोपल मीन्स होता है यहाँ पे सम दिशा और एंटीट्रोपल मीन्स होता है यहाँ पे प्रति दिशा समातन या फिर वेंटिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे होमोट्रोपल वेंटिलेशन मीन्स यहाँ पे जब माइंस में फ्लो होने वाले वेंटिलेशन एयर का जो डायरेक्शन है और कन्वेयर या फिर किसी अदर सिस्टम में ट्रांसपोर्ट होने वाली मटेरियल का जो डायरेक्शन है वो सेम हो तो इस प्रकार के जो भी वेंटिलेशन सिस्टम होता है उसको होमोट्रोपल वेंटिलेशन कहा जाता है और साथ ही साथ इसे यू वेंटिलेशन सिस्टम भी कहा जाता है। आप यहाँ पर स्क्रीन पर डायग्राम देख सकते हैं। सपोज़ यहाँ पर वेंटिलेशन एयर के फ्लो का जो डायरेक्शन है वो ए से बी हो रहा है और साथ ही साथ यहाँ पे कन्वेयर में ट्रांसपोर्ट होने वाला जो भी मटेरियल है उसका भी डायरेक्शन यहाँ पे ए से बी हो रहा है। तो इस प्रकार का जो भी वेंटिलेशन सिस्टम होगा उसे होमोट्रोपल वेंटिलेशन कहा जाता है, मतलब कि यू वेंटिलेशन भी कहा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं एंटीट्रोपल वेंटिलेशन की। एंटीट्रोपल वेंटिलेशन को यहाँ पे जेट वेंटिलेशन सिस्टम भी कहा जाता है। तो यहाँ पे जब माइंस में फ्लो होने वाली जो भी वेंटिलेशन एयर का जो डायरेक्शन है और कन्वेयर या फिर अदर सिस्टम में मटेरियल के ट्रांसपोर्ट होने का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो, दोनों एक दूसरे से क्या हो, अपोजिट हो, तो इस प्रकार के जो भी वेंटिलेशन सिस्टम होता है उसे एंटीट्रोपल वेंटिलेशन कहा जाता है। अब डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पे, सपोज़ यहाँ पे जो वेंटिलेशन एयर है उसका डायरेक्शन यहाँ पे ए से बी है और यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट होने वाली मटेरियल है उसका जो डायरेक्शन है वो बी से ए है। तो इस प्रकार के जो भी वेंटिलेशन सिस्टम होता है उसे एंटीट्रोपल वेंटिलेशन या फिर प्रतिदिशा वेंटिलेशन कहा जाता है। अब होमोट्रोपल और एंटीट्रोपल वेंटिलेशन में कंपैरिजन की बात करें तो यहाँ पे होमोट्रोपल वेंटिलेशन जो होता है वो ज़्यादा सूटेबल होता है एज़ कम्पेयर टू एंटीट्रोपल वेंटिलेशन, क्योंकि होमोट्रोपल वेंटिलेशन सिस्टम में
एंटीट्रोपल वेंटिलेशन की तुलना में यहाँ पे एयर की जो स्पीड होती है वो कम होती है, जिसके कारण से माइंस में यहाँ पे जो कोल डस्ट होता है वो कम क्रिएट होता है। इसके साथ साथ ह्यूमिडिटी के केस में और लॉन्ग वाल मेथड में यहाँ पे होमोट्रोपल वेंटिलेशन ज़्यादा सुटेबल होता है, और यदि माइंस में कहीं पे आग लग जाता है तो उस कंडीशन में भी होमोट्रोपल वेंटिलेशन ज़्यादा सुटेबल होता है। सो आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। होप आपको सारे टॉपिक्स क्लियरली समझ में आ गए होंगे, और यदि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो उसे आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बता सकते हैं।